हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिक वाटर गीजर बना के दिखाएंगे और बनाना सिखाएंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ये देखिएगा, ये हमने जो जो इसके लिए आइटम लिए हैं वो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। जो जो कंपोनेंट इसमें यूज होंगे वो ये सब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये एक पानी की जो टंकी होती है वो 10 12 15 20 लीटर के अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक पानी की टंकी ली है और इसमें ये छेद कर लिए हैं। ये देखिए, ये रोड है। ये देखिए, ये ऑटो कट है इसका रोड का। ये देखिए, मैंने सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाए हैं, अब इन्हें बनाना शुरू करेंगे। और जो ये हॉल किए हमने, ये थोड़े से छोटे हैं, हम इन्हें बड़े करेंगे जिससे कि जो हमारी एल्बो है वो आराम से इसके अंदर आ जाएगी। देखिए, जो स्टील होता है एसएस होता है उसमें ड्रिल चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ग्राइंडर लगाया। ग्राइंडर लगाइए और ग्राइंड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। देखिए, इससे जो ये हॉल है और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर मेरी ये इसके अंदर आसानी से लग जाएगी। देखिएगा, इसके अंदर डाल के फिर इसके ऊपर गैस वेल्डिंग करवानी पड़ेगी जिससे कि पानी लीकेज ना हो। मैं अभी पहले इसके अंदर फिट कर रहा हूँ, फिर गैस वेल्डिंग करवाऊँगा। देखिए, अभी थोड़ा सा टाइट है, अभी अच्छे से फिट नहीं हुआ है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए आज। जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा वो इसे गीजर को आराम से बना सकता है। 1500-1600 रुपये की रेंज में आपका जो पूरा गीजर है वो तैयार हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक दिखाऊंगा, बाथरूम में कैसे फिट होता है वो भी मैं बिल्कुल फिट करके भी आपको दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने लगा लिया इसके अंदर, अभी हम दूसरा भी लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए, इसके अंदर एक पाइप लगाना पड़ेगा जिससे कि कुछ पानी, जो गर्म पानी है वो इसके अंदर ही रहे और जो हमारा रोड है ये वो ख़राब ना हो। बिल्कुल पानी पूरा ना निकलना चाहिए टैंक का, इसलिए इसके अंदर कुछ पानी रहना चाहिए, इसलिए वो अंदर जो पाइप है वो लगाया मैंने इसलिए। ये देखिए, रोड है, इसका मैंने होल कर दिया यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल। ये देखिएगा, ये गीजर की रोड है। गीजर की रोड कह के आप शॉप से ख़रीद सकते हैं। और इसके अंदर भी मैंने बोल्ट ये छेद करके ये फिट कर लिया। ये देखिएगा, और इस पर पेंट भी कर दिया मैंने यहाँ बिल्कुल अच्छे से। जो गैस वेल्डिंग के निशान थे वो अब दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए, अब इस पर कैप वगैरह भी लगाएंगे हम। ये देखिएगा, मैंने ऊपर लेमिनेशन करके इस पर थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया है यहाँ से। और जो ये एक मैंने पाइप आपको दिखाई दे रहा है, जो ये जो वाटर टैंक है हमारा वो फुल हो जाएगा, तो उसका पता लगाने के लिए जो पाइप है वो लगाया गया है। और इसके अंदर गैस वगैरह नहीं बनेगी, जैसे जो गीजर होते हैं वो कभी कभी फट भी जाते हैं, गैस बनती है, तो इसके अंदर गैस नहीं बनेगी बिल्कुल भी। ये देखिए, ये भी मैंने एक डिब्बा लिया था, उस पर पेंट वगैरह करके ऐसे किया तैयार। और इसमें दो रेड और ग्रीन लाइट लगाई, इंडिकेटर लगाए हैं, जो कि ऑटो कट पर आपको पता लग जाएगा। और लाइट इसके अंदर है नहीं है वो भी पता लग जाएगा, जो रेड है उससे पता लगेगा। इसके अंदर लाइट आ चुकी है और ग्रीन से पता लगेगा हमारा जो गीजर है वो ऑन हो चुका है, और कट के बाद वो जो ग्रीन वाली है वो बंद हो जाएगी। अब हम इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों और कमेंट भी जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह जरूर किया करें। ये देखिए, मैं इसके ऊपर इसे फिट कर ले रहा हूँ। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और क्या क्या इसमें मैंने यूज़ किया है वो भी सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये पावर लीड लेंगे हम और इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया और अब हम अपने बाथरूम में आ गए। अब हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको ये किस प्रकार से इंस्टॉल होता है। मैंने वीडियो को थोड़ा कट किया है जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और ये देखिएगा, मैंने जो पाइप है वो गर्म और ठंडे वाली वो मैंने पहले लगा ली है ऊपर। अब हम इसके छेद करेंगे। देखिएगा, अभी छेद करके आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ।
जो बराबर में दो छेद हैं उस पे स्टॉल हो जाएगा। ये देखिएगा, मैं अभी छेद कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा मजबूत जो हमारी ये अपने बोल्ट होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, जिससे जोड़ने का पता ना हो। जो गिट्टी होती है वो लोहे वाली लगेंगी, इसके अंदर लोहे वाली ही गिट्टी यूज करना आप भी। ये देखिए मैंने होल कर लिए यहाँ पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको पता चले हाँ भाई जो चीज़ है वो कामयाब है नहीं है। देखिएगा अब हम इसे ऊपर इंस्टॉल कर देंगे, जो हमारे होल थे वो हो चुके हैं। ये देखिएगा मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, अभी आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। बिल्कुल अच्छे से पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद अपने आप कट हो जाएगा। ये मेरा 15 लीटर का टैंक है, मैंने 15 लीटर का टैंक लिया, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। लगभग आपको राउंड फिगर 1500 रुपये की रेंज में गीजर तैयार हो जाएगा। जो पाइप वगैरह है इनके पैसे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, सब फिटिंग तक के भी पैसे जोड़ के बता रहा हूँ। 1500 रुपये में आप इसे तैयार कर सकते हैं। जो मार्केट में आपको 4 से 5 हज़ार रुपया मिलता होगा, बिल्कुल सेम वही काम करेगा। ये देखिएगा मेरा बिल्कुल तैयार है और मैं इसे ऑन कर दिया। ये देखिएगा जो पानी ऊपर फुल हो जाएगा तो यहाँ से पानी नीचे आएगा। ये देखिएगा ये हमारा सही हो गया। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट वगैरह ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, राधे 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 राधे।